मेरा नाम तो बनवारी लाल है, व्यायामशाला का नाम चिंतामन उस्ताद उपरास व्यायामशाला। व्यायामशाला है तो ये हैदराबाद में है? हैदराबाद में, बेगम बाजार में। आपकी याद में कब से यह खड़ा है? और ये तो हमारे दादा लोग जब से, तो मतलब पुरानी प्रथा चली आ रही है पहलवानी के यहाँ पे, पूर्वज पहले थे। हाँ, उनके भी दादाजी दादाजी थे, फिर उनके पिताजी थे, पुराना है। तो फिर आपने भी पहलवानी की? हाँ। फिर तो आप इस परंपरा को संभाल रहे हैं, क्या फर्क है पहले की परंपरा में जो है और पहलवानी में और अब की में जो यहाँ पे? पहले की पहलवानी में क्या है, पहले ज्यादा लोग इसमें समय बिताते थे। अच्छा। आजकल के लोग ज्यादा समय इसमें दे पा रहे हैं, और पहले पहलवानी को हर कोई लाइक करता था। अच्छा। आजकल प्रोफेशनल पहलवानी नहीं रही, आजकल काम धंधा करके फिर पहलवानी करना पड़ रहा। मतलब यहाँ पे कितने अखाड़े हैं, जो पहले कितने थे और अब कितने अखाड़े हैं यहाँ पे? पहले बहुत ज्यादा थे, अभी कम हो गए। पहले बेगम बाजार, बाजार का एरिया, इसमें कितने अखाड़े हैं? इसमें कम से कम आपको मिलेंगे 7 से 8 अखाड़े मिल जाएंगे। 7-8 अखाड़े मिलेंगे, पुराने 7-8 अखाड़े मिलेंगे। अच्छा। ऐसा तो पहले 10-15 थे, दस पंद्रह थे, तो मतलब आधे हो गए। अच्छा। और ऐसे मतलब और हैदराबाद के और हिस्सों में भी अखाड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। अच्छा। और मतलब कुल मिला के तो अखाड़ों में बच्चों की संख्या घटी है या बढ़ी है या बढ़ रही है? अभी बढ़ रही है, बढ़ रही है। पहले की तादाद में अभी बच्चों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो नए बच्चे आ रहे हैं, मतलब कुश्ती नए बच्चों को, कुश्तियों को, ये जब से सुशील कुमार का मेडल सिल्वर आया उसमें से और थोड़े बच्चे उसको देख के कुछ बढ़ रहे आगे, बढ़ रहे। तो आप ये बता रहे थे यहाँ पे मेन समस्या क्या है कि बच्चे मतलब फुल टाइम नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, काम धंधा करके पहलवानी करते हैं, काम धंधा करते हैं, काम धंधा करके, जो उनका बैकग्राउंड सपोर्ट, बैक सपोर्ट नहीं रहता। हाँ। बच्चों के लिए। अच्छा। खुद पैसे कमा के खुद खाना, फिर खुद कसरत करें, तो वो सुबह आएंगे कसरत करेंगे, फिर अपना काम फिर पे जाएंगे, काम करके जाएंगे, फिर शाम में फिर काम आएंगे, से आएंगे, फिर इस पे टाइम, फिर टाइम रेस्ट नहीं मिल रहा, रेस्ट नहीं मिल पाता। और रेस्ट पहलवान के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेहनत करता है, मेहनत सुबह में उठ के जब 4 बजे उठता है, दोपहर में 1 से 2 घंटे जरूरी है, और सुबह 4 बजे उठ के तो रनिंग दौड़ लगाता है, जो भी करता है उसके लिए दोपहर में रेस्ट होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरा हिस्सा होता है कुश्ती का कि दंगल, दंगल कुश्ती को सपोर्ट करते हैं। एक तो बच्चों को उससे हिम्मत बढ़ती है, फिर उन्हें अपनी तैयारी का पता चल जाता है, फिर कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, और जो बच्चा गलत लाइन पे जाता उससे बच जाता, उससे बच जाता। तो यहाँ पे दंगल हो रहे हैं क्या? हाँ होते हैं, मतलब कितने अमूमन, कैसे? परसों श्रीराम नौमी थी ना। अच्छा। श्रीराम केसरी बोल के कराया था, दंगल हुआ था यहाँ पे, श्रीराम केसरी होता। अच्छा। आंध्रा केसरी होता। अच्छा। शिवाजी केसरी होता। अच्छा। ऐसा गणेश केसरी। अच्छा। गणेश जब बैठते ना, गणेश पूजन के टाइम पे गणेश केसरी होता। अच्छा। रामनवमी के टाइम पे राम केसरी। अच्छा। ऐसा 4 केसरी करा था। तो जैसे पंजाब में मैंने देखा है कि रोज सुबह उठ के पहलवान बोलता आज कहाँ दंगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज दंगल है, कहीं ना कहीं संडे संडे यहाँ पर भी पहले होते थे। अच्छा। अभी कम हो गए, अब कम हो गया यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे मतलब 30 त्योहारों पे ही कभी दंगल होते हैं। हाँ, मतलब है। अच्छा। और दंगल को सपोर्ट करने वाले लोग होते थे, जैसे लाला होते थे। हाँ। ये होते थे, बिजनेसमैन होते तो थे, आज भी सपोर्ट करते हैं लोग, करते हैं, यहाँ के लीडर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, करते हैं। जैसा 30 त्योहार कुछ त्योहार वो टाइप पे कुश्ती का इनॉग्रेशन उनके हाथ से उद्घाटन कराते। अच्छा। अच्छा एक बात आप बता रहे थे यहाँ पे कोई अच्छे पहलवान हुए अखाड़े में? अच्छा। गिरधारी पहलवान है। अच्छा। उनके नाम से व्यायामशाला भी उनके नाम से, तो वो अच्छे पहलवान हुए अपने टाइम में, अपने टाइम के मशहूर पहलवान, मशहूर पहलवान हैं यहाँ पे। तो वो उन्होंने भी इसी अखाड़े में प्रैक्टिस करी या उन्होंने अखाड़ा शुरू करवाया? नहीं, उन्होंने भी इसी अखाड़े में प्रैक्टिस करी। अच्छा। उनके पिताजी भी इसी अखाड़े में प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से काफी पुरानी व्यायामशाला है। अभी पुरानी, बहुत पुरानी। तो आप बता रहे थे कि जो मिट्टी है ये भी मतलब उसी टाइम की मिट्टी है, बहुत पुरानी मिट्टी है, आज भी वही मिट्टी है, इसमें आपने परिवर्तन नहीं किया कोई मिट्टी में? वही मिट्टी को थोड़ा। अच्छा। खुराक, माटी की जो खुराक रहती है। अच्छा अच्छा। दूध दही वगैरह तेल है। हाँ। वो खुराक इसको ईयरली मिलता है सालाना। अच्छा। तो ये पहलवान जी से बात करते हैं, आपका नाम क्या पहलवान जी? साईनाथ। साईनाथ, तो आप कहाँ रहते हैं? बाजू में, पास बाजू में रहते हैं। अच्छा, तो कब से पहलवानी कर रहे हो आप? मैं 2011 से पहलवानी। अच्छा, तो आपको मतलब 5-1 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे सोचा आपने कि पहलवानी करनी है? वो ऐसी कुश्ती देखने जाता था। अच्छा। तो वहाँ से इंटरेस्ट लगता मुझे। अच्छा, तो ये बहुत पक्की बात है, मैंने भी बहुत जगह ये देखा सुना और महसूस करा है कि जब दंगल होते हैं तो पहलवानों को देखते हैं तो बच्चे उससे आकर्षित होकर उससे कुश्ती ज्वाइन करते हैं। और ऐसे ही सुशील पहलवान ने भी किसी दिन की होगी, योगेश्वर ने भी की होगी, तो उन्होंने भी मिट्टी में अपनी शुरुआत की और मेहनत की, तो वो आगे मतलब। तो क्या रूटीन है आपका, कैसे कैसे करते हैं? जो रनिंग है सुबह में। अच्छा। 4 से
5 किलोमीटर रनिंग, अच्छा, उसके बाद में 500 सपाटी, अच्छा, 400-500 दंड, अच्छा, कुश्ती, अच्छा, जोर, अच्छा। तो जैसे आप मिट्टी की कुश्ती करते हो ज्यादातर, तो दंगल वगैरह में गए आप? पार्टिसिपेट करे, मारी कुश्तियाँ? अच्छा, तो अभी किस पोजीशन पे हो आप? अभी तो टाइटल में लड़े हैं आप, टाइटल में? अच्छा, तो मतलब पहले दूसरे तीसरे जोड़ में आप हैं अभी? चलिए बहुत अच्छा, मेहनत करिए तो फिर और आगे जाएंगे, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती किसी की भी, मेहनत बेकार, हाँ, काम चोरी बेकार चली जाएगी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेहनत बेकार नहीं जाती, अगर मेहनत करते तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो है कुश्ती का स्टाइल क्या है, मतलब पॉइंट्स पर होती है? पॉइंट्स की कुश्ती ज़्यादा हो गई यहाँ पर अब है, तो मतलब जो इंटरनेशनल कुश्ती को देख के यहाँ की कुश्ती भी चेंज हो रही है इंटरनेशनल के हिसाब में, यहाँ पे भी वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या है, यहाँ पे चितपट की कुश्ती होती थी, अच्छा, अभी चितपट की मट्टी की कुश्ती कम हो गई, पॉइंट कुश्ती ज़्यादा, अच्छा, जो नेशनल रूल्स इंटरनेशनल जो चल रहा उसको ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारी मिली यहाँ हैदराबाद की कुश्ती को लेकर, और बहुत मज़ा आया सब लोगों से मिलके, अच्छा अखाड़ा देखा, हालांकि ये समय नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि मेरे पास मेरा ट्रेन है, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा कल्चर देखा, थोड़ी देर सुबह में मिल जाते या दोपहर में रहते अच्छा, तो प्रैक्टिस भी देख ले सकते थे। चलिए, और ये भाई है, मैं थोड़ा परेशान था, भाई ने मेरे को यहाँ तक लेकर आए, भाई का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, धन्यवाद। और कोई दूसरे